स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और प्राइवेट शिक्षण संस्थान पिछले मार्च से ही लगातार बंद पड़े हुए हैं। इसको लेकर प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों की खासकर आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। इस कारण लगातार प्राइवेट शिक्षण संस्थान सरकार पर शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के दबाव बना रहे हैं। हालांकि अनलॉक 3 की गाइडलाइंस आने से पहले शैक्षणिक संस्थानों को यह उम्मीद थी कि शायद अनलॉक 3 में शैक्षणिक संस्थान खोलने के आदेश दिए जाएंगे, लेकिन अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस आने के बाद एक बार फिर से प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान वाले को निराशा हाथ लगी। लेकिन इसके बाद प्राइवेट संस्थान वालों ने लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखा। इस कारण सरकार को एक बार फिर सोचने पर विवश होना पड़ा। सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर अनलॉक 3.0 गाइडलाइंस से पहले एक बार फिर से राज्यों से राय मांगी है कि स्कूल खोलने पर अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपे और एक बार फिर से स्थिति का जायजा लें। यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें इस समय जगती हुई नज़र आ रही है, खासकर प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक संस्थानों के लिए। तो आज इस न्यूज़ में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अनलॉक 3 की गाइडलाइंस से पहले सरकार ने अपनी बैठक में क्या निर्णय लिए हैं और क्या राज्यों को आदेश दिए हैं। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी ही खास अपडेट्स आप लोगों के लिए लाते हैं। तो यहाँ पर आइए हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर करेंटली इन ए डायलेमा ओवर द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन द मिड्स ऑफ द कोरोनेशन क्राइसिस। कोरोना महामारी के चलते इस साल स्कूल एवं कॉलेजों का शैक्षणिक सत्र पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इस साल के सबसे बड़े सवालों में से एक यह है कि आखिर स्कूल कब तक खुलने की स्थिति में होंगे। बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार चिंतित है। अब सरकार सभी राज्यों से उनकी स्थिति पता करने में जुट गई है। स्कूलों को खोलने की संभावनाओं को टटोलने में जुटी केंद्र सरकार के सामने जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर राज्य फिलहाल स्कूलों को खोलने के लिए अनिर्णय की स्थिति में थे। इनका कहना है कि उन्होंने अभी इससे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यों से मांगी गई राय में हरियाणा, बिहार, दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य सरकारों ने अगस्त में ही स्कूल खोलने की इच्छा जताई है। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि अगर यहाँ देखा जाए तो हरियाणा, बिहार, दिल्ली और चंडीगढ़ में सरकार ने अगस्त में स्कूल खोलने की इच्छा जताई है। इनमें हरियाणा और बिहार ने 15 अगस्त की तारीख भी तय कर दी है। हालांकि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसे देखते हुए अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। हालांकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल जैसे कुछ एक राज्यों ने सितंबर में स्कूल खोलने की उम्मीद जताई है। वैसे भी अनलॉक 2 की समय सीमा 31 जुलाई को ख़त्म हो रही है। ऐसे में अनलॉक 3 आने से पहले राज्यों को यह राय काफ़ी अहम होगी कि क्या आगे फैसला है। Meanwhile, the ministry has also asked parents for opinions on opening of schools. अनलॉक 2 खत्म होने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों को खोलने के लिए राय मांगी थी। 15 जुलाई के आसपास मांगी गई इस राय में राज्यों से जो जानकारी निकलकर सामने आई थी उनमें ज़्यादातर राज्यों ने साफ कहा था कि उन्हें स्कूल को लेकर अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं है और उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसमें ज़्यादातर राज्य ऐसे भी थे जिनका यह कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के आधार पर ही वह फैसला लेंगे। एज इट इज देयर इज ऑल्सो द प्रेशर टू ओपन स्कूल ड्यू टू कंटिन्यूस क्लोजर ऑफ स्कूल सिंस मार्च।
बट गिवन द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रेन नो वन वांट्स टू रिस्क। जैसा कि यहाँ पर सभी का मानना है कि मार्च से ही लगातार स्कूल बंद होने के कारण सरकार पर काफ़ी दबाव है स्कूलों को खोलने को लेकर, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। मंत्रालय ने अभिभावकों से भी स्कूलों के खोलने को लेकर राय पूछी है। इसकी रिपोर्ट अब राज्यों से आना बाकी है, इसके बाद ही स्कूलों को खोलने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि माने तो जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य है उन्हें कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ स्कूल खोलने की छूट दी जाएगी, और यहाँ पर जो भी सुरक्षा के लिए आवश्यक मापदंड हैं और उनमें जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होंगी वो केंद्र सरकार मुहैया करने के लिए भी तैयार है। सरकार की भी मंशा है कि जल्द से जल्द शैक्षणिक संस्थान खुले ताकि शिक्षा जो बेपटरी हो चुकी है उसे पटरी पर लाया जा सके। तो इस पर तेज़ी से विचार चल रहा है। आज 28 जुलाई है और अभी भी अनलॉक 3 स्टार्ट होने में कम से कम 4 दिन बाकी है। ऐसे में इन 4 दिनों में क्या कुछ खास रिपोर्ट आती है, तो कुछ अगर शुभ संकेत आते हैं तो ज़रूर शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा सकता है, और आने वाली रिपोर्टों को लेकर हम आपके बीच फिर बताएंगे कि क्या कुछ नई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक ऑथेंटिक न्यूज़ हम आप लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।